गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इंडियन गैस को बुकिंग कर सकते हो अपने मोबाइल के यूज करके। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसी इंडियन गैस का लास्ट महीने में उसका नंबर चेंज हो गया था तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये रहा है कि वो बुकिंग तो करना चाहते हैं और रिफिल अपना बुकिंग कर रहे हैं लेकिन उनका बुकिंग नहीं हो पा रहा है। जैसी कॉल कर रहे हैं वो नंबर गलत बता रहा है या ट्राई अगेन लेटर बता रहा है बाद में ट्राई करो। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हो एंड प्लस इस वीडियो में आपको नंबर भी मिल जाएगा कि वो नया नंबर कौन सा जारी किया गया था इंडियन गैस की तरफ से एंड कैसे बुकिंग करना है। जो अभी नया नंबर जारी हुआ है तो उसमें नए तरीके से बुकिंग हो सकता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एंड उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बुकिंग करके आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कैसे आप बुकिंग कर पाओगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने अपना अमेजोन ओपन कर रखा है। आप अपना गैस सिलेंडर का बुकिंग अमेजोन या पेटीएम से आप बुकिंग कर सकते हो या नहीं तो आप उसके वेबसाइट पे जाकर बुकिंग कर सकते हो, जो भी आपका गैस हो, चाहे एसपी का हो, चाहे भारत का हो या आपका इंडियन का हो। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ओपन करोगे ना कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा, गैस रिफिल का ऑप्शन मिलेगा, सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया जा रहा है कौन सा आपका यहाँ पे जो भी एजेंसी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे हम इंडियन के करेंगे एंड यहां पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या नहीं तो एलपीजी आईडी मांग रहा है। तो चलिए हम यहां पे फिल करके एंड यहां पे गेट अ बुकिंग डिटेल पे क्लिक करते हैं एंड लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो नया नंबर जारी हुआ था इंडियन गैस की तरफ से वो नंबर कौन सा है एंड कैसे आप उसे बुकिंग भी कर पाओगे, इजी तरीके से फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करते हो ना तो यहाँ पे गेट बुकिंग डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फैक्चिंग डाटा करके आपका यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, जिस नाम से बुकिंग हो, जिस नाम से यहाँ पे आपका रजिस्टर होगा वो नाम यहाँ पे फिल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक फिल होके एंड यहाँ पे जितना अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू पे पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे ना तो आपका यहाँ पे बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर लिया है तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोग को अभी करके पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा। चलिए मैं दूसरे आपको कॉल पे कैसे बुकिंग करना है वो आपको समझा देता हूं। बट यहां से आप करना चाहते हो तो यहां पे प्लेस ऑर्डर एंड पे पे यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपका पेमेंट यहां पे कंफर्म हो जाएगा यूपीआई के थ्रू या आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी होगा एंड उसके बाद आपका जो सिलेंडर रहेगा ना वो बुक हो जाएगा। एंड अब रहा कि कैसे हम अपने मोबाइल का यूज करके उनको कॉल करके, मतलब कि कॉल के थ्रू जैसे आप नॉर्मली लास्ट आपको बुकिंग करते थे लास्ट टाइम, सेम उसी तरह आप बुकिंग कर पाओगे। तो यहां पे मैंने अपना यहां पे निकाल लिया एंड यहां पे आप देख सकते हो जो भी मेरा लास्ट वाला नंबर होगा ना वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मतलब कि जिससे हम अभी नया नंबर जो जारी हुआ है इंडियन गैस की तरफ से वो नंबर कौन सा आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले कंफर्म कर देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगा वो नंबर एंड उसके बाद आपको सिंपल सा आपको उस पर कॉल करना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम कॉल करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पहले तो आपका कॉलर आईडी जो भी अमिताभ बच्चन का वो रिंगटोन कोरोना वायरस का जो सुनाया जा रहा है वो सुनाया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपका लाउड स्पीकर पे मैं करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलिंग लग चुका है। तो यहाँ पे तो आपको सबसे पहले तो अपना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है एंड बेसिकली यहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर बताया जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा ना उससे कॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बुकिंग के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आप लोगों को बिल्कुल लाइव यहाँ पे बुकिंग करके दिखाया, कंफर्म यहाँ पे बुकिंग हो चुका है मेरा एंड यहाँ पे बुकिंग नंबर मेरे को दिया जा रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे सुनने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मैसेज आ जाएगा, ऑलरेडी मेरे नंबर पे मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर यही है इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि डिस्प्ले पे शो रहा है, इसी नंबर से आप कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हो एंड यहाँ पे देख लीजिए मेरा बुकिंग हो चुका है एंड बुकिंग हो जाने के बाद मेरा नंबर आ जाएगा और जो मैसेज के थ्रू आता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम बुकिंग किया था तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेरा जो वगैरह यहाँ पे बुकिंग का नंबर वो मिलता है आप लोगों, जैसे कि आपका जो रिफिल का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑन बेसिस नंबर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इजी तरीके से कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पूरा बुकिंग हो जाएगा। तो सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।